किसान बिल के विरोध में संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा आज गुढ़ जनपद में ट्रैक्टर रैली निकाल जन के प्रदर्शन किया और सौंपा राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन। संयुक्त किसान मोर्चा के संयोजक एडवोकेट श्री सिंह के नेतृत्व में आज गुढ़ तहसील मुख्यालय में लगभग एक सैकड़ा किसानों द्वारा ट्रैक्टर लेकर किसान बिल की वापसी को लेकर नारेबाजी करते हुए SDM कार्यालय पहुंचे और महामहिम राष्ट्रपति के नाम SDM को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान किसानों ने बिल वापस न ले जाने पर 26 जनवरी को किसानों द्वारा ध्वजारोहण करने के लिए कहा गया। वहीं बताया गया कि इस ट्रैक्टर रैली को गणतंत्र दिवस ध्वजारोहण परेड की तैयारी के लिए रिहर्सल का नाम दिया जा रहा है। इस दौरान किसान सुब्रतमणि त्रिपाठी, कुंवर सिंह, रविनंदन सिंह, सोमनाथ कुशवाहा, गिरजे सिंह सेंगर सहित अन्य किसान उपस्थित रहे। प्रस्तुत है एक झलकी से किसान सुब्रतमणि त्रिपाठी से जानकारी के अंश। मोदी सरकार की अंग्रेजियत हुकूमत के खिलाफ और आपने जिले में सबसे पहले और सराहनीय कदम उठाया है, इसके लिए किसान यूनियन की तरफ से आपको कोटिशा धन्यवाद। आपको खूब कष्टहरनाथ जी आपको शक्ति दे। आज किसान बिल के विरोध में विगत 3 माह से देश की राजधानी की सीमा पर और मध्य प्रदेश के रीवा जिले में तमाम मध्य प्रदेश में अन्य प्रदेशों में किसान बिल के खिलाफ आंदोलन, इसके बाद दिल्ली आंदोलन की तर्ज पर दिल्ली आंदोलन के समर्थन में रीवा की करहिया मंडी पर बड़ा अनिश्चितकालीन धरना निरंतर रात दिन चल रहा है। साथियों, इसी तारतम्य में जो राष्ट्रव्यापी आह्वान हुआ है कि 26 जनवरी को पूरे देश का किसान गणतंत्र ट्रैक्टर परेड निकालेगा, किसान ध्वजारोहण अपना करेगा, किसान ट्रैक्टर से परेड मार्च करेगा, इसी तारतम्य में ये 5वां रिहर्सल परेड हमारा आज गुढ़ की तहसील पर तहसील मुख्यालय में हुआ। सबसे पहले सिमरिया में हुआ, सिरमौर में हुआ, फिर रायपुर करचुलियान में हुआ, फिर मऊगंज में हुआ और आज गुढ़ तहसील मुख्यालय पर ये जंगी प्रदर्शन और रिहर्सल परेड का आयोजन हुआ। हमारे सभी संयुक्त किसान मोर्चा के नेतागण लगातार सभी मुख्यालयों पर जा करके और इस आंदोलन को गति देने का काम किया और ये आज ये हालात है कि पूरे रीवा जिले के अंदर गांव-गांव ये किसान आंदोलन पहुंच चुका है। हमारे पूरे जिले के जाबाज किसान साथी, सारे नौजवान साथी, आम नागरिक इस आंदोलन के साथ हैं, इस बिल के विरोध में हैं। देश में हमारे किसान आंदोलन कर रहे हैं। कृषि के जो 3 नए कानून आए हैं, दिल्ली में लगातार धरना जारी है, उसी तारतम्य में हमारे रीवा में संयुक्त किसान संयुक्त मोर्चे के साथियों सहित हम सब 3 तारीख से लगातार करहिया मंडी में धरना कर रहे हैं और हम लोगों ने लगातार किसानों में जागरूकता फैलाने के लिए और कृषि बिल वापस लेने के लिए सिरमौर, रायपुर करचुलियान, मऊगंज में ट्रैक्टर रैली की है। आज उसी तारतम्य में हमारे यहाँ ट्रैक्टर रैली गुढ़ में रही है और हमने जहाँ जहाँ रैलियाँ की हैं वहाँ SDM और तहसीलदार जी के महोदय के माध्यम से हमने महामहिम राष्ट्रपति जी को, हमारे संयुक्त किसान मोर्चे ने ज्ञापन भेजा है कि कृषि के 3 कालों कानून वापस होने चाहिए जो कि देश हित में और आम जन के हित में नहीं है। इसी तारतम्य में आज गुढ़ में विशाल ट्रैक्टर रैली का आयोजन किया गया। हम आप सब लोगों से अपील करते हैं कि आप सभी इस बिल से, किसान ही नहीं आप सब प्रभावित हो गए, सब लोग किसानों